प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसके लिए 5,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे ताकि किसानों की 2022 में आमदनी दुगनी हो जाए। ये जानकारी सांसद अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पांचड़ नलाही जोल में जनसभा को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को खेती की सिंचाई के लिए सोलर वाटर पंप लगाने में भी मदद करेगी। सांसद ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। इसमें आम के पौधे के अलावा लीची, अमरूद, नींबू प्रजाति के आधार पर बागवानी करने के लिए बागवानी विभाग को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है ताकि बागवानी के क्षेत्र में भी हमीरपुर जिला अग्रणीय भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2019 तक सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में ग्रामीण सड़क संपर्क 56% था जो कि अब 82% हो गया है तथा एक वर्ष के भीतर इसे 100% किया जाएगा। गत 4 वर्षों में 1,70,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश की भाजपा सरकारें विकास को तरजीह दे रही हैं। पूर्व की यूपीए सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए थे लेकिन अब भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजनाएं आम लोगों के साथ जुड़ी हुई है तथा इस योजना के बारे में पंचायत स्तर पर जानकारी आवश्यक पहुँचाई जाए। सांसद अनुराग ठाकुर ने योजनाएं एवं कार्यक्रमों के सुधार के बारे में किसी भी तरह का सुझाव हो तो अवश्य दें ताकि लोग योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। इस अवसर पर नलाही कंगरी मार्ग के निर्माण तथा पटलांदर में पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन खोलने की डिमांड को भी स्वीकृत करते हुए कहा कि इन मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर मंडला अध्यक्ष रंजीत, पंचायत प्रधान संदला देवी, पटलांदर की प्रधान शर्मिला राणा, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिवीर, युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष जगन कटोच आदि मौजूद रहे।